नमस्कार दोस्तों, अन्नपूर्णा रसोई चैनल पर मैं एकता आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ गणेश चतुर्थी पर टेस्टी मोदक। चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। गैस ऑन करेंगे, पैन रखेंगे, पैन के अंदर हम घी डाल देंगे। हम 3 चम्मच घी डाल देंगे, ये घर का बनाया हुआ घी है फ्रेंड्स। घी को गर्म होने देंगे। अब हम इसके अंदर 1 कप बेसन डाल देंगे। मैंने 1/2 कप लिया है और 1/2 कप और डाल देंगे। बेसन को मैंने अच्छे से छान लिया है। अब हम मिक्स कर देंगे घी के अंदर बेसन को और गैस का फ्लेम लो रखेंगे। लो फ्लेम पे ही हम बेसन को भूनेंगे। देखिए इसी तरह चलाते हुए भून लेंगे। बेसन भूनने में जल्दबाजी ना करें, बेसन को आप लो फ्लेम पर ही भूनें, तभी हमारे मोदक जो टेस्टी भी बनेंगे और अच्छे भी बनेंगे, नहीं तो इनमें बेसन जलने की बदबू आएगी। देखिए बेसन ने घी छोड़ दिया है। इसी तरह चलाते हुए हम इसका हल्का सा कलर और चेंज कर लेंगे। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा मूंगफली का चूरा डाल देंगे, 3 चम्मच के करीब। मैंने मूंगफली को मिक्सी जार में पीस लिया था। और 2 चम्मच हम नारियल का बुरादा डाल देंगे, ये बाजार का नारियल का बुरादा है। आप इसमें काजू का चूरा भी डाल सकते हैं, बादाम का चूरा, काजू का चूरा, जो भी आपके पास हो। सबके पास ये नहीं होता है, इसलिए मैंने मूंगफली का चूरा डाला है। अच्छे से मिक्स कर देंगे, ये ऑप्शनल है फ्रेंड्स, आप बिना डाले भी इसे बना सकते हैं। देखिए ये बन गया है, गैस को बंद कर देंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। देखिए इसी तरह चलाते हुए हम इसे ठंडा कर लेंगे। हमें इतना ठंडा करना है कि हम इसे छू सकें। अब हम इसके अंदर 1/4 चम्मच इलायची का पाउडर डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। मैंने इसे काफ़ी ठंडा कर लिया है। देखिए मिक्स कर दिया है, अब हम इसे छू सकते हैं। और अब हम इसके अंदर 1/2 कप गुड़ डाल देंगे। मैंने गुड़ को कद्दूकस किया है, आप अपनी पसंद से मीठा रख सकते हैं। आप इसके अंदर शक्कर भी डाल सकते हैं, पर हल्का ठंडा होने पे ही आप इसके अंदर गुड़ या शक्कर डालें, नहीं तो ये जो पतला हो जाएगा फिर आपके मोदक बनेंगे नहीं। इस बात का आप पूरा ध्यान रखें, और हल्का सा गरम हो तभी आप इसके अंदर गुड़ डालें। ज़्यादा गरम है तो आप इसके अंदर ना गुड़ डालें ना शुगर डालें। और अब हम इसे अच्छे से हाथ से मिक्स कर देंगे, क्योंकि हाथ से बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम ऐसा मोदक मोल्ड लेंगे और इसे भर लेंगे, अच्छे से दबा दबा के भरेंगे, ताकि हमारे मोदक जो हैं सुंदर बने और टेस्टी भी बने और ये दिखने में भी अच्छे लगें। देखिए मैंने भर लिया है, अब हम इसे खोल लेंगे। ये हमारा बहुत ही सुंदर मोदक बनकर तैयार हुआ है, इसे रख देंगे अलग। इसी तरह मैं आपको एक और बना के बताती हूँ। अगर आपको ये सूखा सूखा लगे तो आप इसके अंदर थोड़ा सा घी भी डाल सकते हैं। अगर आपके मोदक बन नहीं रहे हैं तो आप 3-4 चम्मच इसके अंदर देसी घी डाल लीजिए और मिक्स कर लीजिए, फिर आपके मोदक जो हैं बहुत ही अच्छे से बन जाएंगे। देखिए ये भी बन गया है, इसे भी निकाल लेंगे और इसी तरह हम सभी मोदक बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए फ्रेंड मैंने 3 से 4 लड्डू बनाए हैं और मोदक बनाए हैं, बहुत सुंदर बने हैं, खाने में बहुत टेस्टी बने हैं। आप इस गणेश चतुर्थी ये मोदक ज़रूर बनाएं और अपने गणेश जी को भोग ज़रूर लगाएं। अपने हाथों से मोदक बनाकर अगर आप उनको भोग लगाएंगे तो उनको काफ़ी अच्छा लगेगा और मोदक जो हैं बहुत टेस्टी बने हैं। फ्रेंड्स अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, अन्नपूर्णा रसोई चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें।
और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। सब्सक्राइब करें अन्नपूर्णा रसोई चैनल को और बेल बटन को दबाएं हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।